अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज जी तो आज की वीडियो है हमारी जेनफर्म के प्रोडक्ट पे, जो कि है मेंडल एसी सीरम। आज हम वन बाय वन इस पे बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स पे, इसको यूज़ कैसे करना है, किन स्किन पे ये साइड इफेक्ट देते हैं, कौन सी स्किन टाइप उसको कैसे यूज़ कर सकती है, कौन सी स्किन सी डर्मेटोलॉजिस्ट ये टेस्टेड है नहीं है, प्राइस, एवरीथिंग। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, कि ये किस किस स्किन टाइप पे काम करेगा। अगर आपकी स्किन पे फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, स्किन ब्राइटर इफेक्ट चाहिए, आपकी स्किन पे एक्नी मार्क्स हैं और ये एक्नी को प्रिवेंट करने में भी आपकी हेल्प करता है, उसके अलावा ये आपको पिगमेंटेशन को लाइटनिंग करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा जी, बेनिफिट्स के बाद हम ये बात कर लेते हैं इसको आपको यूज़ कैसे करना है, किन बातों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट बात, आपको इसको कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले बाद में यूज़ नहीं करना 5 से 6 दिन। लाइक जैसे आप ब्लीचिंग करते हैं, आप अपने स्किन पे पॉलिशिंग करते हैं, अगर आपको स्किन पॉलिशिंग या ब्लीचिंग करनी है तो आपको 6 डे पहले से इस प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ देना और 6 डेज बाद तक आपको उसको यूज़ नहीं करना, वरना आपकी स्किन बहुत रेड हो जाएगी, स्किन जलेगी। और ये काफ़ी लोगों में पाया गया है कि लोग कहते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमें ये हो रहा है, एक्चुअली में वो ये गलती कर रहे हैं कि वो केमिकल के साथ साथ इस प्रोडक्ट को भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिससे फिर साइड इफ़ेक्ट ही मिलेंगे, कोई बेनिफिट्स तो मिलने नहीं वाले। एक और इम्पोर्टेंट बात इस प्रोडक्ट की ये है कि आपको इसको लगा के बिल्कुल सनलाइट में चले नहीं जाना है, कि हम सनलाइट लेने जा रहे हैं, हम विटामिन सी या डी वगैरह लेने जा रहे हैं, वो भी बहुत साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। अगर आप इसको लगा के आप सीधा सनलाइट में जाएंगे तो बुढ़े हो जाएंगे, मतलब फाइन लाइन बहुत जल्दी आ जाती हैं अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा रहें। और ये प्रोडक्ट लगा के आपने हरगिज़ धूप में नहीं जाना, आपने अगर धूप में जाना है, आपको जाना पड़ गया है, तो अगर आपने ये प्रोडक्ट लगाया हुआ है तो फेस को वॉश करें एंड सन ब्लॉक कर लगाएं एंड देन आप धूप में जा सकते हैं, वरना आपको धूप में जाना बिल्कुल अलाउ ना है। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू यूज़ अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, किस स्किन टाइप को कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऐसी है कि आप कुछ भी लगा लें तो आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली, बहुत ड्राई है, या फिर आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको किसी प्रोडक्ट लाइक किसी भी मॉइस्चराइज़र में यूज़ करना है इसके अंदर, मतलब मॉइस्चराइज़र लिया जितना सा आपके फेस पे लगता है, उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स मेंटेलिक एसिड सीरम के डाले, उसको मिक्स किया एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट एंड देन आपको सनब्लॉक भी फेस पे लगाना है। सनब्लॉक आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इसको रात को लगा रहे हैं, या अगर आप स्टे इन साइड योर प्लेस हैं तो आप सनब्लॉक को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, एक और इसकी ज़रूरी बात यह है कि जब आप इसको स्किन पे लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, उससे भी आपकी स्किन पे बहुत रिएक्शन हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत रेड हो जाएगी और पील करने लगेगी और आपको बहुत इरीटेट फील होगा, स्किन पे बहुत ज़्यादा जलन फील होगी। तो आपको ये करना है कि आप इसको रब बहुत ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना स्किन पे लगा के, अगर आप इसको डायरेक्टली लगा रहे हैं या किसी भी मॉइस्चराइजर में लगा रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डर्मावी का मॉइस्चराइजर लें, क्योंकि वो बहुत अच्छा है हर स्किन टाइप के लिए, मुझे बहुत सूट करता है एंड काफ़ी मैंने यूट्यूबर्स को देखा है जिन्हें ये बहुत अच्छे से सूट कर रहा होता है, तो आप ये डर्मावी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आपको सूट कर रहा है, आप उसी मॉइस्चराइजर में इसको डाल के अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है नहीं है, डर्मेटोलॉजी से इसको रिकमेंड करते हैं तो करते हैं। एक्चुअली मुझे भी ये प्रोडक्ट मैंने कहीं से देख दूख के नहीं लिया था, मुझे भी मेरे डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था मेरी स्किन पर एक्ने मार्क्स तो उनको लाइटनिंग करने के लिए। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी की बात करें तो इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी माय फेवरेट, लाइक नो ऑयल, नो थिक, बिल्कुल लाइट सी, बिल्कुल लाइट वेट एंड बिल्कुल रनी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 1400 में मिल जाएगा और डिलीवरी चार्जेस में 1500, और अगर आपको मतलब मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल रहा है कहीं से तो फिर आपको 1400 में ये पड़ेगा। अगर आपकी कोई और की रीजन्स प्रोडक्ट के बारे में जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकी तो मुझे मस्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्स यू। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, और वीडियो अगर पसंद आए तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।